तोड़ने का चलन पुराना है, तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। क्या बात है, क्या तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। और वतन पे जब प्रहार होता हो तो कफन ओढ़ने की बात करें। क्या बात है, रहने दो, इतने में मैं काम चला लूंगा। अच्छी पंक्तियों पर कम से कम आपका आशीर्वाद यहाँ तक आ जाना चाहिए। तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। वतन पे जब प्रहार होता हो तो कफन ओढ़ने की बात करें। हमारे बीच में कर्म योगी बैठे हुए हैं, आपका बलिदान आपको समर्पित कर रहा हूँ। होली दिवाली और ईद तो हम बहुत मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संदर्भित जरा सा बच्चों को हटा दीजिए यहाँ से, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। संदर्भित होता है आपका बलिदान। एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देश को जितना बलिदान गांवों ने दिया, हमारे फहरिस्त में उतना बलिदान कहीं और देखने को मिलता नहीं। क्या बात है, आपका बलिदान आपको समर्पित कर रहा हूं। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सर सरहद पर किसी नेता का बेटा क्यों नहीं मरता, सही है कि नहीं। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सरहद पे किसी नेता का बेटा क्यों नहीं मरता। मैंने कहा बेटे पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते, पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते, पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक बच्चे का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। उस बच्चे ने कहा सर 5 रंग होते हैं। मैं उसको मारने के लिए दौड़ा लिया। मैंने कहा कि बदतमीज तिरंगा 3 रंग का होता है, तू 5 रंग बता रहा है। उसने कहा हाँ सर 5 रंग होते हैं। मैंने कहा सिद्ध कर नहीं तो पीटूंगा। उस बच्चे ने कहा कि सर ऊपर का केसरिया 1, नीचे का हरा 2, बीच का सफेद 3, बीच का चक्र 4। मैंने कहा पांचवा बता। बच्चे ने कहा कि सर लाल रंग का धब्बा। मैंने कहा लाल रंग के धब्बे से तेरा क्या मतलब। बच्चे ने कहा कि सर पापा जब सरहद से शहीद होकर लौटे थे तिरंगे में लिपट कर, क्या बात है, तो उस तिरंगे पर उनके खून का एक धब्बा था। उसी दिन से मैंने जाना कि तिरंगे। क्या बात है, किस ईद और होली की बात आप करते हो? 4 पंक्ति, सच की 4 पंक्ति आपको दे रहा हूं, जिसके लिए कमलेश राजहंस बदनाम है। 4 पंक्ति दे रहा हूं, सियासत के नाम दे रहा हूं। इस देश को अगर बर्बाद किया तो सियासत ने बर्बाद किया। 70 साल की आजादी है हमारी, 4 पंक्ति दे रहा हूं। कहां गया सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम नमस्ते सदाम वत्सले मातृभूमि का आदर्श कहाँ गया वकील साहब? 4 पंक्ति दे रहा हूँ। अगर वो पंक्ति सच हो तो चुनार की जनता कविता का सम्मान करती है। कविता आपका सम्मान यहाँ तक आना चाहिए। कहता हूँ कि लाशों को ढोते ढोते अब मेरा भारत बहुत थक गया। क्या बात है, लाशों को ढोते ढोते अब मेरा भारत बहुत थक गया। बंद करो नफरत का भाषण सुनते सुनते कान पक गया। क्या बात है, लाशों को ढोते ढोते अब मेरा भारत बहुत थक गया। बंद करो नफरत का भाषण सुनते सुनते कान पक गया। एक दूसरे के ऊपर नाहक कीचड़ तुम फेंक रहे हो, बलिदानों की चिता जल रही तुम रोटी सेंक रहे हो। क्या बात है,
एक दूसरे के ऊपर नाहक कीचड़ तुम फेंक रहे हो, बलिदानों की चिता जल रही तुम रोटी सेक रहे हो और अब आपके हाथ उठे, बलिदानों की चिता जल रही तुम रोटी सेक रहे हो, कोई नहीं दूध का धोया मुखिया होया राष्ट्र विधाता, किसी बड़े नेता के दिल में नहीं धड़कती भारत माता, किसी बड़े नेता के दिल में नहीं धड़कती भारत माता, किसी बड़े नेता के दिल में नहीं धड़कती भारत माता। एक राष्ट्रवादी मुसलमान ने मुझे माला पहनाया, कौन है मुसलमान, मुसलमान कौन होता है, सुनना भैया कि इस्लाम क्या होता है, ईमान मुसल्लम हो जिसका वो है भारत का मुसलमान। क्या बात है, बात ईमान मुसल्लम है जिसका वह है भारत का मुसलमान, उसकी आंखों में बहता है, उसकी आंखों में उसकी जेहन में बसता है उसका प्यारा भारत महान, जो राष्ट्र धर्म के आगे मजहब की परवाह नहीं करता। क्या बात है, बेटा हलाल हो जाता है पर मुंह से आ नहीं करता, गीता कुरान उसकी आंखें, बाहों में काशी काबा है, भारत का बूढ़ा मुसलमान हिंदू बच्चों का बाबा है। हिंदू मुसलमान की तुम बात करते हो है? मेरी धरती का खाते हो पर गीत पाक के गाते हो, तुम शाह जफर के बेटों को गद्दार बनाने आते हो। क्या बात है, सारे धर्मों का एक भाव हम एक सुर में गाते हैं, भारत माता के चरणों पर सब मिलकर सिर झुकाते हैं, सच्चे हिंदू का एक धर्म जो राजधर्म कहलाता है, सच्चा मुस्लिम उस राजधर्म पर बढ़कर खून बहाता है, मेरे भारत में हिंदू मुस्लिम में है कोई भेद नहीं, पूजा जान मंदिर मस्जिद में करते कभी विभेद नहीं, हम शाह जफर अब्दुल हमीद के पद चिन्हों पर चलते हैं, तात्या टोपे की चरण धूल ही अपने मस्तक पर मलते हैं, तात्या टोपे की चरण धूल अपने मस्तक पर मलते हैं, मेरे भारत का मुसलमान तेरा फरमा बरदार नहीं, ए भारत माँ के बेटे हैं ए हो सकते गद्दार नहीं, ए भारत माँ के बेटे हैं ए भारत माँ के बेटे हैं ए हो सकते गद्दार नहीं, हैं हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हो, तब कहता हूँ यार एक कविता, क्योंकि डेढ़ घंटे के पहले कमलेश राजहंस की बैटरी चार्ज नहीं होती, दो घंटे का समय मैं लेता हूँ लेकिन यहाँ संक्षेप में अपनी बात आपके बीच में मैं कर रहा हूँ, ए भारत माँ के बेटे हैं ए हो सकते गद्दार नहीं, कविता का जेहन आपके बीच में रखता हूँ कि जयचंदों का सम्मान करूं तो मुझको जहर पिला देना। क्या बात है, ये वातावरण नहीं है कविता पढ़ने का, मेरा वातावरण नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा कविता। वीडियो साफ सुनिएगा कि जयचंदों का सम्मान करूं तो मुझको जहर पिला देना, जयचंदों का सम्मान करूं तो मुझको जहर पिला देना, आप सुनेगा मेरे बड़े पुराने श्रोता है, जयचंदों का सम्मान करूं तो मुझको जहर पिला देना, नादिर शाहों का मान करूं तो जिंदा मुझे जला देना। क्या बात है, बहुत खूब, जयचंदों का सम्मान करूं तो मुझको जहर पिला देना, नादिर शाहों का मान करूं तो जिंदा मुझे जला देना, मैं राष्ट्र मंत्र पढ़ने वाला कविता की सही परख दूंगा, यदि शब्द हुए गद्दार मेरे तो कलम तोड़ कर रख दूंगा, यह शब्द हुए गद्दार मेरे तो कलम, यह शब्द हुए गद्दार मेरे तो कलम तोड़ कर रख दूंगा, मैं इंद्राणी के बीना की झनकार नहीं, क्या बात है, मैं इंद्राणी के बीना की झनकार नहीं, मैं नहीं मेनका के पांवों की पायल हूँ, मेरी वाणी में नहीं वेदना कोयल की, मैं नहीं किसी के नयन बाण से घायल हूँ, मैं किसी कामिनी के मन का अभिसार नहीं, करता कल बल छल मिथ्या का व्यवहार नहीं, संसार मुझे कभी कहे कहे कुछ भी कह दे, कभी हूँ करता कविता का मैं व्यापार नहीं, क्या बात है, मैं भयक्रांत लोगों की आंखों में प्रकाश की रेखा हूँ, सत्ता लोभी सामंतों को भूगोल निगलते देखा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब,
तुम सुनते हो, कह देता हूँ, कहना मेरी मजबूरी है। सो ये भारत के पौरुष को समझाना बहुत जरूरी है। हुई कलंकी जिनके चलते मेरे बलिदानों की थाती, सदियों से जिनकी कुर्बानी झेल रही भारत की माटी, वक्त आ गया मेरी कविता जो सच है बतलाएगी, तीस रहा है जो सीने में घाव उसे दिखलाएगी। अब देखिए कि किसका आमंत्रण पाकर महमूद गजनवी भारत आया। वीडियो साहब सुनिएगा, किसका आमंत्रण पाकर महमूद गजनवी भारत आया, किसकी साजिश से वह बाबा सोमनाथ पर खड़ग चलाया, किसकी सापे गोरी ने इस वीर भूम की गैरत लूटी, पृथ्वीराज की आंख नहीं सारे भारत की किस्मत फूटी, विश्व विजय का बिगुल बजाता हुआ सिकंदर भारत आया, राष्ट्रद्रोह ने आगे बढ़कर विजय हार उसको पहनाया, मंगोल यवन मुगलों तुर्कों अंग्रेजों की अगवानी में भारत की नैया डूब गई केवल चुल्लू भर पानी। मंगोल यवन मुगलों तुर्कों अंग्रेजों की अगवानी में भारत की नैया डूब गई केवल चुल्लू भर पानी में, आजादी आई सामंतों ने फिर भारत को बांट दिया। क्या बात है, आजादी आई सामंतों ने फिर भारत को बांट दिया, बंधुत्व भाव को नफरत की पैनी कुठार से काट दिया, बंटवारे का खूनी मंजर अब भी अति दोहराता है। बड़े लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, बंटवारे का खूनी मंजर अब भी अति दोहराता है, घायल खंडित भूगोल मेरा उस दिन की याद दिलाता है, जब सिंधु हो गई लाल लाल हिंदू सोनित की लाली से, अखिले फूल जब अलग हो रहे थे रिश्तों की डाली से, सौहार्द प्रेम का कत्ल हुआ नानक कबीर की धरती पर, आजादी बिलक बिलक रोई थी असहायों की अर्थी पर, इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रोक उसासों को, भूगोल गिन रहा था उंगली पे असहायों की लाशों को, कुर्सी पर बैठे हुए लोग, कुर्सी पर बैठे हुए लोग घड़ियाली अश्रु बहाते थे, उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहला। कुर्सी पर बैठे हुए लोग घड़ियाली अश्रु बहाते थे, उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे, लाशों को सिरहाने रखकर, लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था, केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया, लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था, केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था, सच कहने से आज हमारी कलम कहीं रुक जाएगी, भूषण और दिनकर की छाती में दरार पड़ जाएगी। शीशक रही असहायों के लाशों पर मिली हुई आजादी, भूख भी लगती है बच्चों की सुलग रही सारी आबादी, एक दृश्य मैंने देखा, वीडियो साहब एक जगह कवि सम्मेलन में मैं गया था, एक दृश्य देखा, भैया सुनना, कि एक बिटिया थी 7 साल की, उसका बाप ढोल बजा रहा था, 12-12 फुट के 2 लंबे बांस लगाए गए थे, बिटिया अपने पैरों में घुघरू बांध करके हाथ में बहुत बड़ा बांस लेकर के और बड़ी रस्सी पर वह बिटिया नाच रही थी, सारे लोग ताली बजा रहे थे, बिटिया नीचे उतरी, मैंने कहा बिटिया 12 फुट की ऊंचाई पर, 12 फुट की लंबी रस्सी पर, 12 फुट का लंबा बांस लेकर पैर में घुघरू बांध कर जब तू नाचती है तो तुझे डर नहीं लगता क्या? बिटिया ने कहा कि बाबूजी जब भूख लगती है तब डर नहीं लगता यार। बिडो साहब, एक जगह मैं मिड डे मील चेक करने के लिए गया था, वहां पर एक घटना हो गई, एक लड़की का किसी ने कलम चुरा लिया था, किसी बिटिया ने चुरा लिया था, जो वो टीचर थी वह लोग सारे बच्चों से बोली कि सारे लोग अपने बैग की तलाशी दे, सारे बच्चों ने बैग की तलाशी दे दिया, एक बिटिया थी वह तलाशी नहीं दे रही थी, कह रही थी कि नहीं सर मैं तलाशी नहीं दूंगी, टीचर कह रही थी कि तो निश्चित है कि तूने उस कलम को चुराया है, मैं पहुंचा, मैंने कहा बात क्या है, उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात, मैंने कहा कि मैं इसकी तलाशी लेता हूं, मैं उसको एकांत में ले गया, हम कह बिटिया तू अपनी तलाशी दे, तूने कलम चुराई है कि नहीं, बिटिया ने अपने बैग को खोला, उसमें 4 रोटियां थी, बिटिया ने अपने बैग को खोला, उसमें 4 रोटियां थी,
मैंने चारों रोटियों को देखा। मैंने बिटिया से पूछा कि बिटिया ये चार रोटियां क्यों? तो रोटी चुराती है। भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने कहा तू रोटी चुराती है? बिटिया ने कहा कि सर मैं यहाँ खा रही हूँ, मेरे घर छोटा भाई है वो भूखा रहता है, जब मैं यहाँ से चुरा कर रोटी लेकर के जाती हूँ तो वो खाता है। हिंदुस्तान है आपकी ताकत। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छी बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ। तब इस मंच से एक बात कहता हूँ, एक घटना से आपको जोड़ता हूँ। मुफलिसी का क्या दर्द होता है? 70 साल से मुफलिस जान रहा है, किसान जान रहा है, मजदूर जान रहा है यार। तब कहता हूँ कि बहुत चुप कराते हैं, चुप नहीं होते हैं। बहुत चुप कराता हूँ, चुप नहीं होते हैं। मेरी गली में मताना खिलौने वाले, तेरे खिलौनों को देखकर मेरे बच्चे बहुत रोते हैं। शिशक रही असहायों के, शिशक रही असहायों के लातों पर मिली हुई आजादी, भूख भी लगती है बच्चों की, सुलग रही सारी आबादी। 70 वर्षों से भारत की धरती पर नरमेद हुआ। क्या बात है? गुंडों की गोली से संसद की छाती में छेद हुआ। धू धू कर इंसान जला पर इनको हया नहीं आई, अबलाओं के अंग कटे पर इनको दया नहीं आई। अमन चैन की इस धरती पर ऐसा खूनी भाग हुआ, लगता है यह देश समूचा जलिया वाला भाग हुआ। अब बेटे हुए अनाथ, बेटियों की इज्जत नीलाम हुई, मेरे देश की राजनीति तू कितनी नमक हराम हुई। आशीर्वाद कम आ रहा है, लग रहा सुन नहीं रहे आप। बेटे हुए हलाल, बेटियों की इज्जत नीलाम हुई, मेरे देश की राजनीति तू कितनी नमक हराम हुई। कुर्सी पाने के खातिर तू राष्ट्रभक्ति को छोड़ दिया। क्या बात है? धारा 370 का विरोध भारत के दिल को तोड़ दिया। क्या बात है? 56 इंच के सीने का मजाक करते हो? अरे मैं तो कहता हूँ मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन दो पंक्ति दे रहा हूँ आपके बीच में कि 56 इंच का नहीं, वो 112 इंच का सीना है जिसने हथियारों के मुख से काश्मीर को छीना है।